नमाज का टाइम हो गया और जो सुना सर्दी है बाहर है? अभी मैं बाहर गया ना, बहुत बहुत ज्यादा मुझे लगी सर्दी। वो आज तो कुछ सर्दी ज्यादा ही थी, बाहर धुंध नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा ठंड थी। उठ गई है अनिया, कहाँ लेके जा रही हो आप इसको? उसको दादी के पास जाना होगा सुबह सुबह। चलो दरवाजा खोल दो इसके लिए, चलो जाओ। सुबह सुबह इसका यही काम होता है, बस उठते ही दादी के पास चली जाती है। और नींद आ गई थी रात को? मुझे काफी लेट आई थी, मैं नहीं इतना पता नहीं क्या वजह थी। नाश्ते का क्या सीन है? चलो जी नाश्ता ही बनाओ, दे मैं अभी आता हूँ फिर वहीं पे, ठीक है? तुम पहले जाओ वहीं पे, साथ बैठ के खाते हैं ना, मैं वहीं पे किचन में बैठ के खाएंगे। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है? जाओ तुम बनाओ। अभी हमारा नाश्ता का टाइम हो गया है और हम खा रहे हैं जी नाश्ता। और दादी जान ने ट्यूबवेल चलाई हुई है तो उसका शोर आ रहा होगा आप लोगों को, तो उसके लिए माजरत, बिकॉज वो चला हुआ है, उसको हम बंद तो नहीं करवा सकते ना। तो हमने वीडियो बनानी है, जहरी बात है। तो हाँ तो वो मैं करवाऊँगा देखिए मुंह खराब की बेटी तो मक्खियां
काफी पसंद है। हाँ ऐसे ही हो। ओके तो नाश्ता आ गया और नाश्ता अभी करते हैं। गर्म है बहुत ज्यादा। पराठा अच्छा जी तो हमने नाश्ता कर लिया सुबह का और अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे ख़त्म। और आप लोगों से आज हमने अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की है, तो उम्मीद है कि आपको बस पसंद आई होगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ऐसी वीडियोज़ डेली आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो अभी भाभी आप जो है वो अपने घर का काम करेंगी और मैं जो है वो अभी सामान लेना है घर के लिए, बाजार जाऊंगा वो लेके आऊंगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे करेंगे ख़त्म, आप लोगों से कल मिलेंगे ताज़ा नए फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।